आई थिंक नेक्स्ट टू मंथ्स विल बी फैबुलस फॉर द फिल्म इंडस्ट्री एंड फॉर द ऑडियंसेस ऑल्सो, बिकॉज उनको वो देखने को मिलेगा जो वो देखना चाहते हैं. योर क्वेश्चन इज सेम, द आंसर विल बी सेम, इज दैट दिवाली इज अ बिग पीरियड एंड इट्स अ पीरियड वेयर टू फिल्म्स कैन रिलीज एंड कंफर्टेबली रिलीज इट. दैट्स दैट. सेना सरदार इज अ हाई एनर्जी फिल्म. क्रिकेटर्स आर कनेक्टेड टू दैट, सो दे आर ऑल वेरी एक्साइटेड. आई एम वेरी एक्साइटेड, दे आर वॉचिंग एंड दैट्स दैट. सब लोग अच्छे, अभी सब लोग देखने जा रहे हैं, सब लोग अच्छा लग रहा है. लेकिन सर, जब सब क्रिकेटर्स को शो मूवी दिखाने का डिसीजन किया, क्योंकि उसमें से कुछ मेरे दोस्त हैं और ऐसी बातचीत हुई, तो फिर उनको भी देखनी थी फिल्म और मैं भी दिखाना चाह रहा था कि बिकॉज सेना सरदार इज अ हाई एनर्जी फिल्म. क्रिकेटर्स आर connected to that, so they are all very excited. I am very excited, they are watching, and that's that. Actually Yuvraj sanosada bol ke bhi gaye, chilla chilla ke yahan se ek plus slogan lagate hue gaye, kafi bhaji bhi aaye sanosada, kafi sanav sardar andar hain is waqt. सर और एक सर इंडस्ट्री के लिए स्क्रीनिंग आपको प्लान नहीं की? इंडस्ट्री के लिए जो जो दोस्त यार हैं, जो नज़दीकी लोग हैं, वो सब देख रहे हैं, एक एक करके स्क्रीनिंग कर रहे हैं हम लोग, बट ऐसा कोई प्रीमियर का प्लान नहीं. सो फार रिएक्शन जो है बहुत पॉजिटिव रहा है. इनफैक्ट ओपनिंग भी आपकी मतलब एडवांस बुकिंग है, विच इज़ वेरी एनकरेजिंग. सो हाउ डू एक्चुअली टेक दिस? वेरी हैप्पी. आई थिंक रिस्पॉन्स तो फर्स्ट प्रोमो से ही पॉजिटिव रहा है, एंड उसके बाद म्यूज़िक भी पकड़ लिया बहुत अच्छी तरह से. अब लोग जब फिल्म देख रहे हैं रिलीज से पहले, उन सबको बहुत फिल्म बहुत बहुत अच्छी लग रही है, इसलिए हम काम करते हैं. तो आई एम जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड, आई एम वेरी श्योर दैट द प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड एंड ऑडियंस इज़ लव. दिवाली दो बड़ी मूवी क्लैश हो रही है एक साथ बॉक्स ऑफिस पे, तो आपको क्या लगता है कि बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड चेंज? ये 100 साल पुराना सवाल क्यों आप पूछ रहे हैं? इवन दो इट्स सन ऑफ सरदार एंड जब तक अनजान, इट्स लाइक ह्यूज. आई मीन इट्स द सेम क्वेश्चन व्हिच इज द पास्ट 20 डेज वी बीन आंसरिंग. योर क्वेश्चन इज सेम, द आंसर विल बी सेम, इज दैट दिवाली इज अ बिग पीरियड एंड इट्स अ पीरियड वेयर टू फिल्म्स कैन रिलीज एंड कंफर्टेबली रिलीज इट. दैट्स दैट. एंड बट बिकॉज ऑफ बिग स्टार्स, यंग लोगों को मौका नहीं मिलता है, न्यू कमर्स को मौका नहीं मिलता है, क्योंकि ईद बुक हो जाती है, दिवाली बुक हो जाती है, क्रिसमस बुक हो जाती है, बड़े बड़े स्टार्स. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मौका नहीं मिलता. मैं तो चाहूँगा सभी को मौका मिले. नेक्स्ट दो महीना जो है, आई मीन अभी से शुरू होता है, वी हैव फाइव ऑफ आवर बिगेस्ट स्टार्स रिलीजिंग योर मूवीज. शाहरुख खान आपका है, उसके बाद आमिर का है, उसके बाद अक्षय का है, उसके बाद ऑब्वियसली दबंग 2 का प्रोमो जो निकला है, माइंड ब्लोइंग प्रोमो है. सो नेक्स्ट 2 मंथ्स है, हाउ डू यू इट्स लाइक आई थिंक नेक्स्ट 2 मंथ्स विल बी फैबुलस फॉर द फिल्म इंडस्ट्री एंड फॉर द ऑडियंसेस ऑल्सो, बिकॉज उनको वो देखने को मिलेगा जो वो देखना चाहते हैं. और इंडस्ट्री के लिए अगर सब फिल्में बहुत अच्छी जाएँ तो इंडस्ट्री का बहुत बड़ा फायदा होगा.